हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आपने मोटो फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर क्लिक करना, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे यूज़ करके अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर पाएंगे मोटो फ़ोन में, तो देखते हैं। सिंपली आपकी सेटिंग्स है शो हो रही है। तो कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली आपको जाना होगा डिस्प्ले सेटिंग पे। तो क्लिक कर दे, डिस्प्ले सेटिंग्स हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होती है आपको इसमें ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट का, तो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आप रिफ्रेश रेट वगैरह यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट जिसमें आपका 60Hz रिफ्रेश रेट होता है, यहाँ से फिर हाई रिफ्रेश रेट जो है आपका 90Hz, जिसके जो हमारी फ़ोन की स्मूथली स्क्रीन है स्मूथ टाइप में चलती है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्चिंग सेटिंग पर जाकर भी रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप सर्च करते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप सर्च करेंगे, तो इसके जरिए आप रिफ्रेश रेट वगैरह को अपने मोटो फ़ोन में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंड हाई रिफ्रेश रेट को अपने तरीके से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियो इसको शेयर करें। थैंक यू।